अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड विद ए न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो डीवीडी कम रिसीवर सेटेलाइट फाइंडर के बारे में है। यानी ये एक ऐसा डीवीडी प्लेयर है जिसकी ये स्क्रीन जो है ये 9 इंच की है और इसके अंदर जो है एक रिसीवर भी फिट हुआ हुआ है। सारी डिटेल में आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर रिसीवर फिट है। बाकी पार्ट्स भी मैं आपको इसके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जो डिश से लीड आ रही है, तार आ रही होगी, जो केबल आ रही है उसको कनेक्ट करेंगे। ये साथ ही इसका ऑन आपका बटन लगा हुआ है, इस साइड से भी आप देख सकते हैं इसको, सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ ये नीचे से एक रिसीवर का सेंसर लगा हुआ है और दूसरा जो है ये इसकी इंडिकेशन लाइट है, जब ये ऑन होता है तो ये लाइट ब्लिंक करती है। तो दोस्तों अगर आप प्रोफेशनली या शौकिया तौर पर डिश की सेटिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ आपने इस डिवाइस के साथ, इस डीवीडी प्लेयर कम रिसीवर के साथ सिर्फ ये वाली लीड, जिस तरह चार्जर की लीड होती है 220 वोल्ट पे ये चलेगी, ये आप देख सकते हैं, इसमें लगाएंगे और इसको बिजली के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये चलना शुरू कर देगा। ये साथ रिमोट है, इसके अंदर जो रिसीवर फिट है उसका। तो दोस्तों ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इकोनॉमिकली भी ये ज़्यादा महंगी नहीं है। तो ज़्यादा अच्छे मटेरियल वाली लेंगे, यानी रिसीवर अच्छी कंडीशन का होगा और LCD और ये जो स्क्रीन है LCD स्क्रीन, अगर ये ज़्यादा बड़ी होगी 12-16 इंच की तो इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। वैसे नॉर्मल जो है हालत वाला या मटेरियल वाला जो डिवाइस है वो आपको इस तरह का मिल जाएगा 3500 से लेके, यानी 3500 से लेके 5000 की रेंज में। तो जो ज़्यादा अच्छे वाले हैं वो आपको 10000 की रेंज में मिलेंगे। तो अभी दोस्तों मैं इसको ऑन करके ये फंक्शन किस तरह करता है वो सारा प्रोसेस भी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स इस डीवीडी को ऑन कर दिया है मैंने, सिर्फ ये इसकी पावर लीड लगाई है, ये यहाँ पे लगी हुई है और ये जो डिश की तार है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। तो अभी मैं इसका मूड चेंज करूँगा, ये यहाँ से ये आप देख सकते हैं, तो ये उसकी माँ ने उसको चैनल चलना शुरू हो गया है, बर्दाश्त कर PTV होम, आवाज़ भी इसकी बहुत अच्छी है, सही अजियतें गवारा की, कितना मुश्किल मरहला था। सारी चीजें मौजूद है, तो बड़ी एक अपना खुशाइन बात है और मैं समझूंगा कि इस किस्म की चीजों से ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर खड़े हो, जब देख मर्जी के जी बैकर्स आर नॉट चूजर्स, के हम तो तुम एक करप्ट आदमी हो, तुम इस मुल्क के 40 अरब रुपए
उसका तुमने जवाब देना। जो आदमी करप्ट होता है वो हमेशा गुलाम होती है कि लोग अगर आपसे मिलते हैं तो उसके बाद उनको दोबारा मिलने की चाह जरूर। तो उस वक्त आपके सामने जो बहुत अच्छा एनालिसिस होती थी वो फैक्चुअल होती थी। एंटीना सेटिंग आ गई है, ये आप देख सकते हैं, ये पार्क सेट के ऊपर लगा हुआ है। ये तकरीबन इस रिसीवर के अंदर तमाम सेटेलाइट्स ऐड हैं, जिस तरह आम रिसीवर में होते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर जो है खुश आमदीद कहते हैं मेरा पाकिस्तान में। और ब्रेक से पहले शानदार और मजेदार गपशप का सिलसिला जो है वो जारी है, तो इसी सिलसिले को कुछ आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं कुछ एंटरटेनमेंट की दुनिया से। हमारा सेगमेंट भी है बिलबोर्ड। तो जी बात कर लेते हैं अदाकार उमर राना की अहलिया मुसन्निफा अमर तो दोस्तों आपकी नज़रों के सामने बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।